का जो बाय करते हैं। ये मैं खुद को ही कुछ गिफ्ट कर दूँ। इनका भी आज आई है पर बाहर ही रहेगी। कौन सा देखना है? में बहुत सब कुछ है दादा। अब खाने में फाइनल डिसाइड हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह किसको आ गई मेरी याद? याद किसी और को नहीं, चिकू को ही आई थी, क्योंकि चिकू गए हैं शॉप पे उनके लिए शैम्पू लेने के लिए, सेंट बॉटनी का। तो पूछ रहे थे कौन सा लूँ, तो लेने गए हैं कैरेटिन वाला शैम्पू, जो कि अच्छी चीज़ है। कैरेटिन वालों को एक नेचुरल स्ट्रेंथ देता है, उसके बारे में कभी और बताएंगे। सुबह सुबह ज्ञान की बातें नहीं करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है और ब्रेकफास्ट अब मेरे लिए हो गया है काफ़ी इजी, क्योंकि चिकू कल ले आए थे ब्रेड। और ब्रेड सुबह ब्रेड होती है तो कुछ ज़्यादा किचकिच नहीं होती, और सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो फटाफट से कर देती हूँ ब्रेकफास्ट एंड देन बाकी के काम सारे चालू करने हैं, क्योंकि रूम में भी मैस पड़ा हुआ है सारा, घर में भी मैस है, कपड़े भी हाथों से ही धोने हैं, बर्तन भी हाथों से ही धोने हैं, तो काम तो चालू ही रहेगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिंदी लगाई थी वो तो का गई, काम वाली हमारा आई नहीं है, तो कपड़े धोए अभी और वो सूखा है, और अभी बर्तन वगैरह हमें मम्मी थोड़ा निकाल रहे हैं सेट पर, खाना बनाना बाकी है कुछ अच्छी ही। आज 12:30 हो गई है तो अब जल्दी से बना देते खाना और फिर मैं आपको मिलूँगी, क्योंकि अगर कैमरा ही उठा के घूमती रहूँगी तो कुछ काम नहीं होगा। तो बर्तन अभी धो दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इनको तो भर के एक टोकरी भर दी है। चिकू आ गए खाना खाने के लिए, तो कल रात वाली पाव भाजी वापस से बन रही है, जाके व्लॉग देखो, वो 20 मिनट्स में मैंने पाव भाजी बनाई थी। तो पाव ये खाते काफी थी जब पाव उठो। ये हमारा लंच जो कि रात को पाव भाजी ने बनी थी, वो गर्म कर दी, दाल और रोटी चावल। अभी का खाना तो पूरा बना है, पर रात वाली पाव भाजी भी थोड़ी सी बना दी थी, तो जल्दी से खा लेती हूँ खाना और फिर जाना है शॉप। अभी जस्ट हुई किचन से फ्री, किचन पूरा कंप्लीट किया क्लीन, और अब वापस से थोड़ा साड़ी वाड़ी सही करती हूँ, फिर जाती हूँ दुकान। और शॉप के जो कल मैं लाई थी टॉवल्स और ये सब धोने के लिए डाल दिए हैं, तो अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, हालाँकि कल धुलेंगे पूरे कम्प्लीटली, आज तो मैं अभी चाह रही हूँ। इसलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, जो मैंने परसों बाल कल किए थे वो अभी तक चल रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। तो और अब जाते हैं शॉप पे चिकू को लेके, वो एक बार 9:50 ज्वेलरी जाते हैं, फिर शॉप पे जाएंगे। सॉक्स तो पहनना ही भूल गई, अभी सॉक्स पहन रही हूँ। सॉक्स पहन लिए हैं, अब जा रहे हैं शॉप पे। नहीं आ सकते? मेरा ही वजन ले ओ। मैं आ गई हूँ शॉप पे। बच्चे को मैं आज कैसी लग रही हूँ? साड़ी जैसी पहनी है, लग रहा है। लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? मैं आ गई हूँ शॉप पे, और शॉप पे कुछ दिन पहले हमने एक चीज़ न्यू ऑर्डर की थी, जो कि आपके लिए है, और वो चीज़ है गिफ्ट देने के पर्पस से बहुत ही अच्छा पैटर्न का है, परफ्यूम और डियो का दोनों का सेट है, और साथ ही इसका नाम है रोमांस, क्योंकि रेड कलर से इसको पूरा, वैलेंटाइन डे तो अभी जस्ट गया ही है तो रेड कलर तो लव का ही कलर है, सो रोमांस नाम दिया गया है। निया है वो लेडीज़ परफ्यूम है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी माइल्ड और भीनी भीनी खुशबू है, और सेक्रेट लव भी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है डियो में, तो दोनों मस्त हैं, और साथ में क्या शानदार कॉम्बो बना के दिया है अजमल ने, और हम आपको देंगे। और सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, बहुत सारे हैं, 2-3 और हैं, तो वो भी मैं पैकेजिंग आपको दिखाऊंगी, जिसमें अलग अलग परफ्यूम और अलग अलग डियो है। और पीछे इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनको बोलो ये व्लॉग में आए, आ ही नहीं रहे बापड़ो सोरो, व्लॉग में ही नहीं आ सकते, फोन इतने आते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मैं थी अंदर, और अभी अंदर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ज्योति का क्या पता हाथ क्यों पेन कर रहा है, तो मेरा थोड़ा काम था, मुझे आज फेशियल वगैरह करवाना था, क्योंकि परसों है मेरी एनिवर्सरी, सो कुछ सजना धजना तो बनता है, पर सब स्टॉप हो गया है, सो
अभी कुछ आगे काम करूँगी और मुझे मेरे लिए एक परफ्यूम पसंद आया है तो आज वो बाय करते हैं। बहुत टाइम से मैंने मेरे लिए कुछ बाय नहीं किया है तो कुछ ना कुछ तो बाय करना बनता है। तो चलिए, तो अभी मैं आई थी आगे वाली शॉप पे और मैंने सोचा क्यों ना मेरी एनिवर्सरी है तो चिकू का तो मुझे कोई पता नहीं है, मैं खुद को ही कुछ गिफ्ट कर दूँ। तो मैं मेरा परफ्यूम कलेक्शन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तो मैं मेरे कलेक्शन में ऐड कर रही हूँ सेक्रीफाइस एंड डेजी, दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। डेजी सेक्रीफाइस तो चिकू ने शादी में ख़रीदा था और वो मुझे अच्छा भी लगता था पर वो ख़त्म भी हो गया है, सो मैं मेरे लिए ये वाला ख़रीद रही हूँ एंड डेजी। तो दोनों अभी दोनों का बिल बनवाते हैं और दोनों का पेमेंट भी मैं ही कर रही हूँ। दोनों परफ्यूम मैंने परचेस कर लिए हैं, अब इनके करते हैं अनबॉक्सिंग। सो दोनों ही बहुत ही अच्छे परफ्यूम है, लेडीज़ परफ्यूम है और फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी है। और इसकी तो थोड़ी फ्लावर वाली स्मेल है और इसकी तो अलग ही है, सुनने पर ही पता चलेगा। पहला परफ्यूम मैंने मेरे लिए ख़रीदा है, यानी चिकू ने ही मुझे अभी तक गिफ्ट की है, पर अब मैं मेरा कलेक्शन बना रही हूँ तो मेरे कलेक्शन में फर्स्ट परफ्यूम है सेक्रीफाइस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकंड है डेजी, अब इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। इसकी बॉटल जोरदार है। तो सेकंड परफ्यूम मेरे कलेक्शन में ऐड होता है डेजी, और मैंने तीन परफ्यूम्स और ख़रीदे हैं जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, उनकी मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दी है। तो फर्स्ट है जो कि है ओरम, और ये वाला परफ्यूम मैंने चिकू को उनके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट किया था, मैंने एक दिन आपको बताया भी था व्लॉग में। और सेकेंड ऑल टाइम फेवरेट विसल धाब, और ये भी ऑल टाइम फेवरेट ओनली फॉर विसल। दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, ये लेडीज़ परफ्यूम है ये जेंट्स है, बट दोनों ही फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं। लेडीज़ और जेंट्स में कुछ होता नहीं है परफ्यूम्स में, तो जो अच्छा लगे वो लगा। और 5 परफ्यूम्स मेरे परफ्यूम कलेक्शन में ऐड हो चुके हैं, तो ये मैंने मुझे सेल्फ गिफ्ट किए हैं ये परफ्यूम, तो अच्छा खासा खुद पर खर्चा कर दिया है, बिल भी बन गया है, पेमेंट भी हो गया है। अब ये पैक होके जाएंगे घर पे और मेरी वॉर्डरोब में पूरी एक अलग बनाऊंगी परफ्यूम्स की, जिसमें ओनली फॉर मेरे ही परफ्यूम रहेंगे। आज हम तीनों जने इतने ज़्यादा परेशान हुए इस एलेक्सा से। एलेक्सा क्या कर रही हो? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। तो बस ऐसे ही इससे पूरे टाइम बदलने के लिए सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। झूला में जाती रही। आज इस एलेक्सा ने हमको इतना परेशान किया है, हमको एक गाना सुनना था, जो उस गाने का क्या नाम था, केंदी होंदी सी तेरी याद है, जो दो आएगी तो पता लगूगा, इस टाइप का कुछ गाना है। अरे वो हमको एलेक्सा में सुनना था, फ़ोन में कब से सुन रहे थे हमने, एक घंटा मशक्कत की होगी उस गाने को सुनने के लिए, और फाइनली पता चला कि उस गाने का नाम यानी एक्सक्यूजेस से स्टार्ट होता है, तो फिर लगाया तो बच तो गया फाइनली। पर यार इतनी माथा फोड़ी हुई, एक घंटे तक उस गाने के पीछे ही हम रहे। तो चलो मैं आज आपको बता देती हूँ एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, जो कि अपकमिंग मॉम के लिए है, मॉम टू बी के लिए है, और मैरिड वुमन हो अनमैरिड गर्ल हो, सबका जो प्रॉब्लम है मेन इशू है वो है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स आते हैं हमारी बॉडी बल्की होने की वजह से, हम थोड़े चबी हो जाते हैं या फिर मोटे होते हैं, हमारा साइज़ अगर बढ़ता है तो वहाँ पर हमको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, क्योंकि स्किन जो होती है वो हमारी स्ट्रेच होती है। और आपने कितनी बार देखा होगा कितने जनों को स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं और कितने जनों को होते हैं, वो इस वजह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन हमारी ड्राई होती है इसलिए, और मेन हम हमारी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते हैं, और थर्ड होता है कि हम पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पीने की वजह से भी हमारी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट रहती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही बड़ा इशू है हालांकि गर्ल्स के लिए, हमारी बॉडी जैसी है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, पर हमारी बॉडी को हमको ख़राब भी नहीं होने देना है। तो इसलिए अगर जो मॉम बनने वाली हैं या फिर मॉम बन चुकी हैं, या फिर कोई गर्ल जिसने मेरे जैसे एकदम से वेट पुट ऑन कर लिया है और स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, या फिर
आपने वेट पहले आपका ज़्यादा था और अभी कम हुआ है, नहीं आपकी बॉडी जैसे ही कम हो रही होगी वैसे आपको स्ट्रेच मार्क शो हो रहे होंगे। आपने सोचा यार, क्योंकि काफ़ी जनों की मेंटालिटी ये होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये बात गलत है। लड़कों को भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, लड़कियों को भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी जहाँ से फूलती है, जहाँ से बढ़ती है, इसी वजह से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ द मॉम्सको का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्पेशली स्ट्रेच मार्क्स के लिए। ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल ख़त्म करेगा ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स हमारी बॉडी के अंदर तक बना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेच होती है तो वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स बनता है। जब स्ट्रेच मार्क्स नया होता है तो तब रेड कलर का होता है, जब स्ट्रेच मार्क्स पुराना हो जाता है तो वाइट हो जाता है, और वाइट हो जाता है तो वो पुराना है तो उसको हमको मिटाना है, या फिर रेड है तो भी उसको मिटाना है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, स्पेशल स्ट्रेच मार्क्स के लिए ही द मॉम्सको ने बनाया है। और द मॉम्सको जो सीरीज़ है वो स्पेशली मॉम्स एंड बेबीज़ के लिए ही है, क्योंकि मॉम्स का भी केयर करने के लिए इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं और बेबीज़ के लिए भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये वाला स्ट्रेच मार्क्स ऑयल है वो ज़्यादातर जहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, टमी एरिया पे, हिप्स एरिया पे, और गर्ल्स के लिए ब्रेस्ट एरिया पे, थाइज एरिया पे, और लड़कों को पीठ पे भी होते हैं, अंडर आर्म्स के आसपास भी होते हैं, जहाँ से हमारी हेल्थ बढ़ती है। पर डोंट वरी, अगर इसको हमें रिमूव करना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑयल हमारे पास है, द मॉम्सको का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। और एक ऑयल मैंने आपको बताया था द मॉम्सको का, और एक मैं बता रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एसेंशियल ऑयल जो है ये जैस्मिन। जैस्मिन ये ऑयल ऐसा है कि आप इस ऑयल को कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके 20 ml कोकोनट ऑयल और 5 to 6 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के अंदर मिक्स करके आप आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए ऑयल बना सकते हो, क्योंकि जैस्मिन जो ऑयल होता है वो हमारे स्ट्रेच मार्क्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। ये सारे ऑयल्स जो हैं स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करने के हैं, ख़त्म करने का आज तक स्ट्रेच मार्क्स को कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है, क्योंकि इससे हमारे स्ट्रेच मार्क्स से वो लाइट हो जाएंगे, स्किन के टोन के हो जाएंगे, वो शो नहीं होंगे पर ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा दावा कोई नहीं करता है। ओनली फॉर स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म करने का एक ही है कि आप लेज़र करवाओ, जो कि लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी बॉडी के लिए हार्मफुल भी रहता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी रहता है। तो उसको ना करके हम कुछ नेचुरल बेस पर ही हमारे स्ट्रेच मार्क्स को काम करें तो अच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया है ये कैसे कैसे यूज़ करना है, वो बता देती हूँ। ये आपको डे में 2 to 3 टाइम्स यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन जब भी ड्राई, मैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए बताती हूँ, आप डे में 3 टाइम्स यूज़ करें, एक नहाने के जस्ट बाद में, दोपहर में, और रात को सोते समय, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी धीरे 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 4 to 5 आवर में ड्राई होनी चालू हो जाती है। और ऐसे भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में भी यूज़ कर रहे हैं तो 2 टाइम्स तो हमको यूज़ करना ही है, एक सुबह और एक शाम। जब जब भी हमारी स्किन पर हम लगाएंगे तब हमारी जो स्किन है वो फर्स्टली तो मॉइस्चराइज होगी, हाइड्रेट रहेगी, और साथ ही साथ पानी बहुत ज़्यादा पिए, पानी पीने से भी हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। डिहाइड्रेशन और ड्राई स्किन से ही हमको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, और जिनको नहीं होते हैं तो आप समझ ही चुके हैं, उनकी स्किन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्किन ड्राई नहीं है, वो पानी ज़्यादा पीते हैं और खाने पीने का भी ध्यान ज़्यादा रखते हैं, इसलिए नहीं होती है। तो मैंने आपको बता दिया है प्रोडक्ट, अगर आपको बाय करना है तो शॉप करो की वेबसाइट पे जाके विजिट करो, नहीं तो मैं शॉप करो का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके ऊपर आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो और परचेज कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। आपको पता चल ही गया होगा कि ये ऑयल किस काम का है, कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो। है तो साड़ी पहन दो, नहीं बहुत सारे छोटे छोटे वो हैं पार्टिकल, बारीक बारीक बहुत, यहाँ पे पूरा स्लोप बनने की वजह से एंटार्कटिका जा ही है पर बाहर ही रहेगी, ऑप्टिमा भी बाहर रहेगी, कोई चोरी करके ना। अरे क्या नाम था इसके? मानव। अरे हिम्मी क्या कर रही है? हिम्मी शफा 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 आइसक्रीम आइसक्रीम शफा अभी देख मेरे पास आई शफा शफा रोमलो शफा देखते शफा शफा लगा शफा लगा दो शफा शफा कौन सा देखना चाचा 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 देखना चाचा को पकड़ दो चाचा को पकड़ दो अब तो सब होगा अब तो ये लगो थोड़ा सा के पूरा थोड़ा सा जब की है बोलो ऐसे चिकू के पास ही नहीं जाती पप्पी भी कर रही है अभी तो थोड़ा सा एक पकड़ दो ना करो चाचू को पकड़ दो पकड़ 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 अभी नहीं अभी ये देख शफा शफा देखी
नहीं 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 खाएगी। क्यों बोका खाएगी? अच्छा ये आता है बोका खाएगी। एल्यूमिनियम से टाटा टाटा शफा शफा वाले आ जा आ जा इधर जा 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 इधर 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 आंटी जी ये चिकू फोन छुपा के रखते हैं। इधर इधर चिकू आंटी जी ये फोन छुपा के रखते हैं। एक बार वाओ बोल दो। एक बार वाओ यूं बोलो। हिम्मी वाओ बोल दो। वाओ बोल दो। वाओ वाओ बोल दो। अच्छा वाला नहीं दिखा है अभी तक इसलिए। वो ये वाओ इसको ही देख के इसलिए बोल दो। वाओ बोल दो। चलो इसके हाथ में दे दो तो ये मर्जी पड़े वैसे चलाएंगे। जीत गया भाई 25,000 सीधा पॉकेट में। इस दुनिया में बहुत सब कुछ है दादा। अब लेला को कल तो चिकू मैं घर आ गई हूँ। घर आके कुछ काम था वो निपटाया और आज मैं मेरे लिए परफ्यूम लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं कभी मेरे लिए नहीं खरीदती हूँ तो अब मेरा खुद का कलेक्शन बनाऊँगी मैं। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर आप ट्राई करना चाहो तो शॉप पर आकर ट्राई करके परचेज भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ मेरे अलग जगह पर जहाँ पर मैं ही यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपको ट्राई करना हो ट्राई करके आप ये परचेज़ भी कर सकते हो। हमारी शॉप को 1 साल पूरा होने वाला है तो इसी के लिए हम एक बम्पर ऑफ़र लाने वाले हैं। तो कल से ऑफ़र स्टार्ट हो जाएगा तो शॉप पर विज़िट करो आपको पता चल जाएगा। और अभी खाने की हम करते हैं तैयारी। इसको मैं सही जगह पर रख देती हूँ। खाने में क्या बनाना है वो चिकू को पूछती हूँ एक बार। खाने में फाइनली डिसाइड हुआ जो सुबह का आटा पड़ा हुआ है उसको वेस्ट नहीं करते क्योंकि जो सुबह पाव भाजी खा ली तो चिकू ने भी नहीं खाई रोटियां और मम्मी ने भी नहीं खाई तो रोटियां तो नहीं पड़ी है तो क्या पड़ा? आटा पड़ा है ना तो मैंने रोटी कम बनाई थी तो उसी आटे में मैंने थोड़ी सी सूजी मिक्स कर दी मसाले डाल दिए और अभी वो तीखी पूड़ी बनाऊंगी। आटा तो गूंद के रख दिया और आलू की सब्जी बना दी है तो आलू पूरी आज खाएंगे। बचपन की यादें ताज़ा होंगी क्योंकि ये मेरा बचपन में सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना होता था और मेरी मम्मी के हाथ की आलू की सब्जी अल्टीमेट। कोई टेस्ट ही नहीं यानी कोई जवाब ही नहीं होता। मैं तो हालांकि नहीं बना पाई वैसी पर इसी से काम चलाना पड़ेगा। और आटा ये भी गूंद दिया है मैं जैसे जैसे बेलूंगी वैसे वैसे चिकू कल देंगे फिर हम दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। तो फटाफट से एक बार पूड़ियाँ बना देती हूँ। खाना बन गया है और मेरे चिकू ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। सारी पूड़ियाँ तली है पर उसमें कुछ जला भी दिया आज तो ना एक दो ही जली एक दो ही जली है बाकी तो सारी और प्रॉपरली तली है। एक भी यानी यूँ नहीं के कच्ची वच्ची रहे ऐसा नहीं है काम एकदम सही है परफेक्ट नहीं जल तो नहीं गए परफेक्ट काम है। तो अभी करते हैं प्लेटिंग फिर आपको दिखाते हैं खाना कैसा टेस्टी देख रहे हैं। और मुंह में सबके पानी आता होगा सबके पानी आता होगा। प्लेटिंग हो गई है और ये प्लेटिंग कुछ इस तरीके से है आलू की सब्जी और पूरी जो ऑल टाइम माय फेवरेट। बड़े टाइम से सोच रही थी बनाऊँ चल पर आज तो मौका मिल ही गया और बनाई थी तो अब खाना खा लेते हैं और साथ में देखेंगे चिकू का और मेरा अभी फिलहाल का फेवरेट शो द शार्क्स। खाने के बाद ले रहे हैं डेजर्ट और डेजर्ट में है आइसक्रीम। मैं ले रही हूँ अमेरिकन नट्स चिकू ले रहे हैं चॉकलेट जो कि मेरी फेवरेट है तो थोड़ी सी उनसे कबाड़ लूँगी। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।